Respected esteemed, powerful intellectual and diversity and quality, और सोशल जस्टिस को इंक्लूसिव की तरफ जिंदगी में उन्होंने अडॉप्ट किया है, रहे हैं और चले हैं। आई एम सॉरी, तो रिस्पेक्टेड जेंटलमैन हैं, उनसे मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं आरती सिंह पटेल डॉक्टर आर के सिंह पटेल और अलग मैं माजरा चाहता हूँ एच एल प्रसाद साहब का, डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया, मुझे देर हो गई आज और देरी की वजह कल का वो परिणाम है, वो रिजल्ट है जिसकी उम्मीद हम सबको थी, क्योंकि इस तरीके से वो पीच को हम लोगों ने इंटरग्रेट किया और जो कॉन्सिक्वेंसेस थे जिससे कि पूरा भारत बहुत ही पेशेंस के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था, और जो रिजल्ट आया उसने दिल्ली के सिंहासन को भी हिला के रख दिया है। उसके रिपोर्ट्स जो हैं वो ओशन की तरह हाई टाइड की तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मोदी मैजिक या चाणक्य और शाहनी जिसको करते हैं, उन्हें भी इसका एहसास हो गया कि जो कुछ भी ये मैजिक है, ये नीति है, वो तभी तक है जब तक कि बिखरे हुए हैं ऑपोजिशन के लोग, और उस बिखराव को, उस डिविजन को, उस डिस्ट्रैक्शन को हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया है, और उस कॉन्सेंट्रेशन की जो सबसे बड़ी वजह है वो हम सब यहाँ पर हैं जो बैठे हुए हैं, जो अपनी मजबूती से, अपनी बुलंदी से, और हम सबकी आवाज़ में इतनी ताकत है कि उस आवाज़ में जो हलचल है उसको हमारा समाज और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नुमाइंदे हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उन्होंने इग्नोर किया भी नहीं, और वो रिजल्ट हम सबके सामने है जो कल हुआ। लोग अलग अलग तरीके से उसके एनालिसिस कर रहे हैं, उसके विश्लेषण कर रहे हैं, देश के हर तबके के लोग कुछ साजिश करेंगे, और साजिशों का दौर जैसा कि 25 साल पहले शुरू हुआ था, कल भी शुरू होगा, आने वाले दौर में भी शुरू होगा। हमें ये रिजोल्यूशन लेना होगा कि वी विल नॉट बी डिसीव्ड अगेन, वी विल नॉट बी ड्यूप्ड अगेन, ताकि हमारी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सफ़र ना करें। सफरिंग हुई है लास्ट 25 ईयर्स में, और जब भी डिसइंटीग्रेशन होता है, डिविजन होता है हर समाज में, चाहे वो सोसाइटी 100 घर का हो या 1 मिलियन का हो या 100 करोड़ का हो, हम पूरी दुनिया के सिचुएशन को देख रहे हैं। देशों के टुकड़े टुकड़े होते चले गए जब से सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ 1992 में, और हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, वहाँ के हालात को हम देख रहे हैं। लेकिन हम लोगों का जो समाज है, हमारी सोसाइटी है, उसका जो डिसइंटीग्रेशन है, जो डिवीज़न है, वो परमानेंट है, और वही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, और उसी ट्रेजेडी को हम लोग एक पीसफुल और प्रॉस्परस फॉर्मूला देने के लिए साथ बैठते होते हैं, और उसमें डाइवर्सिटी में एच एल प्रसाद साहब, जिनको मैं अपना फादर फिगर मानता हूँ, वो इस देश का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स मैं उनको रखता हूँ, इसलिए उनकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो डिस्कोर्स, जो प्रोग्राम ऑफ डिस्कोर्स हैं, जो हर छोटे छोटे अंतराल पे हो रहा है उनके माध्यम से, और ये जो डिस्कोर्स का जो एजेंडा है जिसको उन्होंने सेट किया है, इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रीमियर एजेंडा सेटर्स इन द कंट्री, जिससे रास्ता निकलता है खुशहाली का, 90% ही नहीं 98% जनता का इस देश में, 1 मिलियन से ज़्यादा का पॉपुलेशन है अमेरिका में, ब्रिटेन में, जहाँ ऑस्टेरिटी जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, जहाँ सोशल जस्टिस और डाइवर्सिटी बहुत बड़ा एजेंडा है, उन्होंने अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी को हासिल किया है अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम के थ्रू, वहाँ भी वो कहते हैं कि 2% वर्सेस दी अदर 98%, और जब भी दुसार साहब से बात होती है, जिनकी
देश के साथ साथ दुनिया भर की जो सोसाइटी और उसके जो डिफरेंट सेगमेंट हैं, कल्चर हो, फिल्म हो, स्पोर्ट्स हो और डाइवर्सिटी के जितने भी डिसिप्लिन्स हो, उस पर उनकी जितनी अथॉरिटी है, जितना ऑथोरिटेटिवली वो डिस्कोर्स करते हैं, अपनी बात पेश करते हैं, तो मैंने उनसे ये सीखा कि भारत में भी इट इज एक्चुअली 2% वर्सेस द 98%। एक शाम हम लोग बैठे हुए थे, आज समय निश्चित साहब थे, जाते जाते वो मेरे मुझे देर हो गई, मैं देर से उठा। तो 2% वर्सेस 98% इसीलिए है कि एक सेगमेंट जो हम समझते हैं सवर्णों का सो कॉल्ड ब्राह्मण स्लेव जो अपर कास्ट है, 10% पॉपुलेशन न्यूमेरिकल हो गई, उनकी न्यूमेरिकल माइनॉरिटी है इस देश में। मैं खुद ब्राह्मणों को इस देश का पहला अल्पसंख्यक मानता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि वो 3% की आबादी वो न्यूमेरिकल माइनॉरिटी है। हम जमात की जब बात करते हैं तो वो जाति अपने आप जो है वो सबसे छोटी हो जाती है वो संख्या, और वो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज बन जाता है। जब भी नुसार साहब से कई बात होती रही तो मैंने समझना शुरू किया, और उनके कंसर्न में ही ह्यूमनिस्ट जो ह्यूमनिज्म है उनके डिस्कोर्स में डाइवर्सिटी के उनके अंदर है कि उस समाज का अगर 1% तक का भी तकलीफ में है, डेप्रिवेशन में है, डिस्ट्रेस में है, एग्रेरियन हो या बिजनेस से हो, तो हमें उसका ख्याल करना है। वो सबसे बड़ी बात है, he is a man with the heart and the soul, और वही एक social justice या फिर diversity या representation या फिर civil rights के नायक को बड़ा बनाता है।